राज्यसभा नामांकन के लिए 31 मई अंतिम दिन है और इसी दिन भाजपा की ओर से घोषित राज्यसभा उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सोमवार को दिन भर तिवाड़ी के घर भाजपा पदाधिकारियों और समर्थकों का आना जाना लगा रहा, जिन्होंने तिवाड़ी को बधाई शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। घनश्याम तिवाड़ी कल नामांकन भरेंगे। इस दौरान प्रदेश भर से समर्थकों का उनके निवास पर आने का दौर जारी है। कोई माला पहना रहा है तो कोई साफा पहना रहा है और तिवाड़ी को इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जता रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम तिवाड़ी जी, जिनसे बात करते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर। यह है, सबसे पहले तो मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। और इस अवसर के देने के बाद में दो दिन से कार्यकर्ताओं का जितना समर्थन और जितना उत्साह और जोश देखने को मिला है वो भी अद्भुत है। उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे ब्राह्मण समाज की प्रदेश में भी मांग होती आई थी कि समाज को प्रतिनिधित्व मिले, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामाजिक समरसता पर चलती है और सभी समाज के लोगों को बार बार देती है, लेकिन कोई समाज के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ता को देखकर और संपूर्ण समाज के लिए काम करने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका हित, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर पार्टी काम कर रही है, उसी के आधार पर टिकट लेती है। नामांकन का क्या रहेगा? कल नामांकन 11 और 12 बजे के बीच में विधानसभा में करेंगे। कौन कौन नेता उपस्थित रहेगा? सभी विधायक उपस्थित रहेंगे। दिल्ली से भी कोई? दिल्ली का मुझे पता नहीं है, लेकिन राजस्थान के सभी विधायक उपस्थित। कुल मिलाकर घनश्याम तिवाड़ी ने भाजपा हाईकमान का आभार जताया है और निश्चित रूप से दावा किया है कि राज्यसभा में वे प्रदेश की समस्याओं को उठाएंगे और क्षेत्र का विकास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्य के साथ में जयपुर से चंद्रशेखर शर्मा।